लेकिन अब तो ये हो गया हिसाब किताब लगाने की बात तो छोड़ो, अब ये हो गया कि ये हमारा है जी, ये हिसाब हो गया। तो इसमें सही बात है, मतलब उसको लगाने की बजाय और तोड़ ताड़ देंगे, हमारा है, बर्बाद करेंगे, बोलेंगे ये हमारा है जी। दोस्तों अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि ये काम प्रधानमंत्री का है, इसे प्रधानमंत्री को करना चाहिए, ये काम तो मुख्यमंत्री का है, ऐसा काम ये वो काम मेरा थोड़ी है, ये तो गांव का प्रधान करेगा। हम भी ऐसे ही अक्सर कहते हैं, छोटा काम हो या बड़ा काम हो तो हम भी यही रिस्पॉन्स करते हैं कि प्रधानमंत्री का है, ये राष्ट्रपति का है, ये मुख्यमंत्री का है, या इसे गांव का प्रधान करेगा, हमें क्या लेना देना। तो दोस्तों आज मैं हूँ प्राकृतिक स्रोत यानी कि पानी का धारा, और ये सार्वजनिक पानी का धारा है, इसे बनाया है, बनवाया है, इसका सौंदर्यीकरण किया है ग्राम प्रधान प्रदीप रावत द्वारा, जो कि औलेत के प्रधान, भूतपूर्व प्रधान हैं। क्या गजब यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पानी है ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में बहुत ही ठंडा यानी कि फ्रिज का पानी फेल है यहाँ से मिलता है, तो लोगों की प्यास बुझती है। अब इतना अच्छा जो सौंदर्यीकरण है जो ये आप देख रहे हैं, ये लोगों के घरों में नहीं मिलेगा आपको ऐसा देखने को, वॉशरूम वगैरह बना रखे हैं, बहुत ही मतलब गजब यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा कार्य किया गया है, सराहनीय कार्य। इसके लिए ग्राम प्रधान जो प्रदीप रावत जी हैं वो तारीफ बधाई और इसके पात्र हैं। अब आपको ये दिखाता हूँ कि जो पानी का धारा है ये कल तो हमने इसे साफ कर दिया है वैसे काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी ये देखो बचा हुआ, इससे हम लोग पानी पीते हैं डेली। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इतना गंदा था ये तो कुछ नहीं, अभी इससे ज़्यादा गंदा था, इसे हमने साफ कर दिया है कल, काफ़ी कुछ हमारे साथ दोस्त थे हमारे तो दोस्त साफ कर दिया। और दूसरा यहाँ पर इतनी फिसलन रहती है कि आए दिन लोग गिरते रहते हैं, यहाँ पर चोट लग जाती है, कई बार बच्चे गिर जाते हैं, कई बार बूढ़े गिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पानी की जो चिकनाहट रह जाती है। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि ये जो छोटे छोटे काम हैं अक्सर लोग सोचते हैं कि इन्हें भी ग्राम प्रधान ही करेगा। ये देखो पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर, ये गायों के लिए, बकरियों के लिए, मवेशियों के लिए है, लेकिन उसमें पानी ही नहीं जा रहा। अब क्या ये काम भी ग्राम प्रधान ही करेगा? देखो क्या यहाँ पर अटक रहा पानी लेकिन उसमें नहीं जा रहा। दूसरी चीज़ है ये जो पानी की टंकी है, बहुत ही कमाल की है, यानी कि इससे काफ़ी बेनिफिट होता है, लोग मतलब इसमें पानी इकट्ठा होता है, जो पानी की बहता रहता है गाँव में वो इसमें इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर नल बना रखे हैं, बहुत ही मतलब अच्छा काम किया है। देखो पूरे टंकी में पानी भर जाता है और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का आप यहाँ से खोलो तो पानी आता है। लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है देखो, वो ये भी तोड़ दिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लगाया तो इतना पानी इकट्ठा हुआ इसमें, इसे ही निकाल देते हैं, टोटियाँ तोड़ देते हैं। तो क्या सारे काम ग्राम प्रधान ही करेगा? ग्राम प्रधान ने अगर व्यवस्था कर रखी है बहुत अच्छी, तो गांव वालों को या जो उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और हर छोटे छोटे काम जो कि सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए, इलाके के लिए फ़ायदेमंद रहता है, तो उनको ज़रूर करना चाहिए। हमारे साथ भाई साहब हैं सुंदर भाई जी, तो कुछ विचार रखेंगे भाई जी। यो प्रधान जिले मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, लेकिन फारा बाबू तो गंदू हुई मिठाई या फिर रड़े नसी, लेकिन लोग मतलब जरा हाथ घिसना करता यार नहीं रहना, तो क्या जो काम भी प्रधान लिख रहे क्या? मैंने प्रधान के लिए करना, ये तो सब वो तो मतलब सार्वजनिक इसको तो हर कोई कर सकता है। वहाँ देखो टंकी में साला पानी खा रहे हैं, उसका इतनी गंदगी हो रही है साला, लेकिन किसी को होश ही नहीं है जाने का, मतलब ये नहीं कि चल भाई इसको साफ कर दे, सारे लोग जाए खा रहे हैं उसको, उसका क्या असर पड़ेगा? अक्सर लोग यही कहते हैं, बोले लोग यही सोचते हैं कि ये काम प्रधानमंत्री का है, ये काम तो राष्ट्रपति का है, मुख्यमंत्री का है,
गांव के प्रधान करेगा। अब ये लगता है कि जैसे ही प्रधान ने बना दिया है तो प्रधान ही आकर के इसे हफ्ते महीने में घिस देगा, वो साफ कर देगा, ये तो प्रधान ही करेगा, ये बजट में ही आएगा छोटा के लिए, वो कर दो ये कर दो। हाँ तो ये काम भी जो है कई बार तो साफ कर दिया हमने, लेकिन वही है कि फिर उसे लगातार करने की जरूरत होती है, उसकी देखभाल करने की जरूरत होती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव नहीं बल्कि आपको अक्सर ऐसे अपने गांव में इलाकों में छोटे छोटे काम कर लेने चाहिए, जिसके लिए कि आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, कोई आपकी तारीफ भले ना करें लेकिन आपको अच्छा लगेगा ये काम करते हुए। अपर सी अमूल घिसे देखो फारो टाइल देखो, वो टाइल चमक में हुई तरफ का, लेकिन जो कोण हम रह गया ये तरफ रह गया। तो ये काम छोटे छोटे काम है लेकिन अच्छा लगता है मन को, शांति मिलती है, अच्छा कर दे गांव के अंदर, अच्छा कर इसे तो करना चाहिए तो होगा। हाँ और कोई बोले हाँ भाई ठीक अच्छा अच्छा काम किया है। बुरा तो आप होता है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और हर छोटा छोटा काम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री या गांव के प्रधान पे ही न छोड़ा जाए, अपनी जिम्मेदारी हमें समझनी चाहिए। पहले जमाने के लोग जो पुराने लोग थे, अभी जैसे आम के पेड़ है, हाँ मतलब ये सारे मतलब उन्होंने लगाए कि चल भाई कल कोई इनको मतलब खाएगा हमारा नाम लेगा, सही बात है। लेकिन अब तो ये हो गया हिसाब किताब लगाने की बात तो छोड़ो, अब ये हो गया कि ये हमारा है जी, ये हिसाब हो गया तो इसमें सही बात है, मतलब उसको लगाने की बजाय और तोड़ताड़ देंगे कि हमारा है, बर्बाद करेंगे, बोलेंगे ये हमारा है जी।